हम सत्य नारायण व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सत्य नारायण व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्री सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का ही दूजा रूप है। कहते हैं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत करने से इस लोक में सुख समृद्धि एवं अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से मानव के समस्त पापों का नाश होता है एवं जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। ऋषि मुनियों की तपोभूमि है नैमिषारण्य वन, जिसमें 88,000 मुनि करते थे हरि सिमरन। महर्षि सूत जी का आश्रम भी नैमिषारण्य वन में, ज्ञान प्राप्त करते थे मुनि सब जो इच्छा मन में। एक दिन सूत जी के आश्रम में ऋषि शौनक आए, और सभी ऋषि मुनियों को भी अपने संग बुलाए। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये पूछा है, प्रबल हमारे मन में आज एक हुई बड़ी इच्छा है। क्या इच्छा है सूत जी उनसे पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, धर्म ग्रंथ या व्रत कथाओं में आपने सूत जी का नाम अवश्य ही सुना या पढ़ा होगा, जो कदाचित हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध वक्ता थे। सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था, जो कि वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। इनका नाम रोमहर्षण इसलिए पड़ा था क्योंकि इनका सत्संग पाकर श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था। कहते हैं जब महर्षि वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को कैसे सहेजा जाए। उनके कई शिष्य थे किंतु कोई भी उन सभी पुराणों को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाए। जब सूत जी किशोरा अवस्था में पहुंचे तो एक योग्य गुरु की खोज करते हुए महर्षि वेद व्यास के पास पहुंचे। महर्षि वेद व्यास ने रोमहर्षण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। रोमहर्षण ने अपनी प्रतिभा से 18 पुराणों को कंठस्थ कर लिया। यह देखकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रोमहर्षण को अथाह ज्ञान का प्रसार करने को कहा। सूत जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से नैमिषारण्य वन में अपना आश्रम बनाया। यही से वो ज्ञान प्रसार करने लगे। शौनकादि ऋषियों ने यहीं आकर सूत जी से मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया था। लगे पूछने सूत जी इच्छा अपनी आप बताएं। ऋषि शौनक ने प्रश्न किया जो सब मुनियों को लाए।
कलयुग काल में विद्या रहित मानो हो जाएंगे। कहां सूत जी फिर कैसे मुक्ति को पाएंगे। सुनकर कहने लगे सूत जी उत्तम प्रश्न बड़ा है। यही प्रश्न मुनि नारद जी ने विष्णु जी से किया है। मुनि नारद को विष्णु जी ने इसका उपाय बताया और आपने भी आकर है वही प्रश्न दोहराया। वही दोहराऊंगा मैं जो विष्णु जी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, शौनकादि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं आपको एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत बताऊंगा जिसके बारे में मुनि नारद जी को स्वयं लक्ष्मी नारायण जी ने बताया था। क्योंकि एक बार मुनि नारद अनेकों लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक आए। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे। प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के सभी दुखों का अंत हो जाए। इसी प्रकार मनन करते हुए वो विष्णु लोक आए और उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत कुछ भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप शक्ति के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या प्रश्न है, निःसंकोच मुझसे कहो। इतना सुनकर मुनि नारद कहने लगे, हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इतना सुनकर श्री हरि विष्णु जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप सदैव मानव का हित चाहते हैं, अतः मैं आपका ये प्रश्न सुनकर एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा। मुनि नारद से विष्णु जी ने फिर तो ये कहा है, सत्यनारायण व्रत ही मुनिवर एकमात्र ऐसा है, जिस करने से मिले मानो को सारी सुख सुविधाएं, अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी उनको हो जाए। मुनि नारद ने विष्णु जी से फिर ये पूछा है, मुझे बताएं विष्णु जी किस किस ने व्रत किया है और व्रत करने से फल क्या उनको प्राप्त हुआ। प्रबल हो रही मन में मेरे जानने की इच्छा। मुनि नारद को फिर विष्णु जी ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि यही प्रश्न मुनि नारद ने श्री हरि विष्णु जी से पूछा था। तब श्री हरि विष्णु जी ने मुनि नारद से कहा कि श्री सत्य नारायण व्रत ही एकमात्र ऐसा है जिसके करने से मानव को जीवन में सुख समृद्धि एवं अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना सुनकर मुनि नारद कहने लगे,
कि हे दीनदयाल, आप कृपया मुझे ये बताएं कि श्री सत्यनारायण व्रत करने का क्या विधान है, यह व्रत किस किसने किया और उसे किस प्रकार दुखों से मुक्ति मिली। मेरी जिज्ञासा है कि आप इस व्रत का महात्म्य बताएं। सूत जी बोले, हे मुनियों, आज मैं आप सबके समक्ष श्री हरि विष्णु जी के उन्हीं वचनों को दोहराऊंगा जिन्हें श्री हरि ने मुनि नारद को कहा था। दुख और शोक को हरने वाला व्रत ये उत्तम है, विधि पूर्वक करते हो कर धर्म परायण है। बंधुओं सहित जो सत्य नारायण पूजा की जाए तो फिर व्रत फल भी समझो के दुगना हो जाए। धूप दीप नैवेद्य से पूजन हरि का करना चाहिए, घी शक्कर गुड़ दूध के लफल इनको भोग लगाइए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी करवाना भोजन है और सारा दिन करना हरि का भजन कीर्तन है। करते हैं जो व्रत वो मन वांछित फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि श्री विष्णु जी ने स्वयं नारद जी को कहा था कि मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से घी नैवेद्य, केले का फल, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं, बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ ही भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करें। यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल उपाय है। इसके पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में व्रत किया था उसका इतिहास मैं कहता हूं, जो ध्यान पूर्वक सुनो। काशीपुरी नगरी में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण, निर्धन होकर भी वो तो था बड़ा ही धर्म परायण। भूख प्यास से व्याकुल वो धरती पर भटक रहा, विष्णु जी को उस ब्राह्मण पर आई बड़ी दया। विष्णु जी ने वृद्ध ब्राह्मण वेश किया है धारण, आकर पूछा उस ब्राह्मण से भटकने का क्या कारण। बोला ब्राह्मण, मैं हूँ निर्धन तब ही भटकता रहता, मांग मांग कर भिक्षा अपना गुजर बसर मैं करता। विष्णु जी फिर उसको एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्त जनों, सूत जी ने कहा कि विष्णु जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर उस निर्धन ब्राह्मण को बताया कि तुम विधि विधान से श्री सत्यनारायण व्रत करो, तुम्हारी सब कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और ये उपाय बताकर
विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है उसे मैं अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात को नींद भी नहीं आई और सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। इसके पश्चात वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा एवं सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सूत जी कहने लगे, इस तरह नारद जी से विष्णु जी ने स्वयं कहा था। ये सुनकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया? हम इस बात को सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। तो सूत जी कहने लगे, एक बार वही ब्राह्मण धन व ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ था। बंधु बांधवों सहित जो उस ब्राह्मण ने व्रत किया है, एक लकड़हारे ने आकर उससे पूछ लिया है। विप्र देव ये मुझे बताएं, आज है क्या अनुष्ठान? ब्राह्मण ने लकड़हारे को सब कुछ किया है बता। बोला लकड़हारा, व्रत से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण बोले, इससे दूर सब होती चिंता है। व्रत करने से पहले मैं भी बड़ा ही था निर्धन, सत्यनारायण व्रत से ही मैं आज हुआ संपन्न। मनोकामना पूर्ति का ये व्रत बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी ने कहा कि उस लकड़हारे ने जब पूछा तो ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को इस व्रत की महिमा बताई। ब्राह्मण के मुख से सत्यनारायण व्रत का महत्व जानकर लकड़हारा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करके लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज से लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण व्रत का पालन करूंगा। मन में इसी विचार को लेकर जब वो लकड़हारा लकड़ियां बेचने के लिए नगर के उस क्षेत्र में गया जहां बहुत धनी लोग रहते थे, उस दिन उस लकड़हारे को अपनी लकड़ियों के चार गुना दाम अधिक मिले। लकड़हारा प्रसन्नता के साथ धन लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर आया। फिर उसने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा एवं व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा संसार के समस्त सुख भोगता हुआ अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। सूत जी बोले, अब मैं आगे की कथा भी कहता हूँ, आप सभी इसी प्रकार ध्यान पूर्वक श्रवण करें। उल्का मुख नामक एक राजा बड़ा ही था बुद्धिमान, सत्य वक्ता और जितेंद्रिय निर्धनों को दे दान। कमल मुखी पत्नी थी उसकी सती साध्वी नारी, धर
धर्म परायण थी वो भी और नित्य ही आज्ञाकारी। भद्रशिला नदी के तट पर एक दिन राजा आया और साथ में अपनी पत्नी को भी बुलाया। दोनों ने मिलकर के सत्य नारायण व्रत किया है क्योंकि पुत्र प्राप्ति की हुई उनकी इच्छा है। उसी समय एक वैश्य व्यापारी तट पर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्त जनों, सूत जी ने कहा कि राजा उल्का मुख ने अपनी रानी सहित भद्राशिला नदी के तट पर आकर व्रत संपन्न किया। उसी समय साधु नामक एक व्यापारी वहां आया और भक्ति भाव से पूर्ण होकर पूछने लगा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। साधु की बात सुनकर राजा उल्का मुख बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधों और रानी सहित पुत्र प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर सहित बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, आपके कथना अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा उल्का मुख ने साधु नाम के उस व्यापारी को व्रत करने का सारा विधान बताया। राजा के मुख से व्रत का विधान जानकर अपने व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर आ गया। साधु ने घर आकर अपनी पत्नी लीलावती को कहा कि आज मैं राजा उल्का मुख से श्री सत्यनारायण व्रत का विधान सुनकर आया हूँ और यदि हमें भी संतान की प्राप्ति हो गई तब मैं इस व्रत को करूँगा। इतना सुनकर साधु की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न हुई है बड़ी ही सुनकर पत्नी लीलावती। कुछ ही दिनों में हो गई है फिर तो वो गर्भवती। उनके घर में फिर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पति पत्नी ने कलावती है जिसको नाम दिया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया है, सत्यनारायण व्रत करने का अब तो समय आया है। साधु कहने लगा कि मुझको भी सब कुछ है यार, लेकिन मैं व्रत करूँगा पुत्री की शादी के बाद। धीरे धीरे वर्ष अनेकों बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्त जनों, सूत जी बोले कि साधु को जब उसकी पत्नी ने पुत्री के जन्म के पश्चात याद दिलाया तो साधु कहने लगा कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं श्री सत्यनारायण का व्रत कलावती की शादी के पश्चात करूंगा। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। अब कलावती विवाह योग्य हो गई थी तो साधु ने कंचन नगर में एक सुयोग्य वणिक पुत्र को देखकर अपनी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया और दामाद के साथ ही मिलकर व्यापार भी करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से साधु ने अब भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। वो दामाद सहित व्यापार में इतना व्यस्त हुआ,
सत्य नारायण व्रत करना है याद ही नहीं रहा। दोनों ने मिलकर के इतना बढ़ा लिया व्यापार, धन संपदा की होने लगी जिससे घर में भरमार। ससुर जवाई जब व्यापार को किसी नगर में जाते, अपने धन को वो तो वहां से दुगना करके लाते। भूल गया है साधु मैंने क्या निश्चय किया था, उल्टा मुख राजा के सामने उसने वचन लिया था। सत्य नारायण जिस कारण क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है, श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्त जनों, सूत जी बोले कि साधु व्यापारी राजा उल्का मुख के सामने लिए हुए वचन को भूल गया, जिस कारण सत्य नारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख प्राप्त हो। अपने व्यापार में व्यस्त साधु और उसका दामाद एक दिन रत्नासारपुर नामक नगरी में आए, जहां राजा चंद्र केतु का राज था। व्यापार करते हुए जब उनको शाम हो गई तो एक धर्मशाला देखकर दोनों विश्राम करने लगे, क्योंकि श्री सत्यनारायण भगवान ने साधु को श्राप दे दिया था, जिसके प्रभाव से उसी दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के खजाने से धन चुरा कर भाग गया। जब सिपाहियों ने उसका पीछा किया तो वो चोर अपने चुराए हुए धन को साधु और उसके दामाद के निकट फेंक कर चला गया। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के समक्ष पेश किया। राजा चंद्रकेतु ने उन्हें कारागार में डाल दिया। इधर साधु की पत्नी लीलावती और उसकी पुत्री कलावती अनेकों दिनों तक उनके ना लौटने पर बड़ी ही चिंतित हुई। पति और दामाद लौट कर जब नहीं आए हैं, लीलावती को उन दोनों की चिंता सताए है। और फिर एक दिन उनके घर में चोरी हो गई है, धन संपदा थी जितनी घर में वो भी नहीं रही है। खाने पीने के भी उनको लाले पड़ गए हैं, पति और दामाद भी जाने कहाँ चले गए हैं। कलावती और लीलावती दोनों ही सोच रही थी, इस दुख से उद्धार की जाने कैसे हो युक्ति। अकस्मात कैसे दुख के दिन ये आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है, श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्त जनों, सूत जी कहने लगे कि इधर साधु और उसका दामाद राजा चंद्र केतु की कारागार में बंद हो गए और उसके घर से भी चोर सारा धन चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त लीलावती और कलावती को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल कलावती उसी ब्राह्मण के घर आई जिसने श्री सत्यनारायण व्रत करने शुरू किए थे। वहां उसने श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा है।
कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति एवं जमाई शीघ्र ही घर आ जाए और मेरे पति का जो भी अपराध है उसे क्षमा करें। श्री सत्यनारायण जिससे हैं संतुष्ट हुए, चंद्र के तुराजा को सपने में दर्शन है दिए और राजा को उन्होंने ये आदेश भी दिया है, मुक्त करो जिस कारागार में तुमने बंद किया है, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे धन को नहीं चुराया है, दूसरा ही कोई चोर था जो धन फेंक के आया है। इतना कह करके वो तो हो गए हैं अंतर ध्यान, राजा ने भी उनका ये आदेश लिया है। माँ प्रातःकाल दोनों को सभा में वो बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, सूत जी बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्र केतु को दर्शन देकर सच्चाई से अवगत कराया। प्रातः काल दोनों को सभा में बुलवाकर राजा ने मधुर वाणी में कहा कि हे महानुभाव, भाग्यवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, किंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उन दोनों को राजा ने नए वस्त्र और आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया। अब दोनों अपना धन लेकर घर की ओर नाव में सवार होकर चल दिए। सूत जी कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान ने साधु की परीक्षा लेने के लिए एक डंडी का रूप धारण किया और साधु से पूछने लगे, तुम्हारी नाव में क्या है? तो साधु हंसकर कहने लगा, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो पत्ते और बेल भरे हुए हैं। साधु के कठोर वचन सुनकर डंडी कहने लगे, तुम्हारा वचन सत्य हो। इतना कहकर डंडी रूपधारी श्री सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। करके सागर पार किनारे जब साधु आया, बेल और पत्तों से भरा हुआ ही नौका को पाया, जितना धन एकत्रित किया था बन गए पत्ते बेल, साधु समझ न पाया अपनी किस्मत का ये खेल, देख देख नौका की ओर वो दुखी हो रहा है, फिर उसके दामाद ने आकर साधु से कहा है, आपने पत्ते बेल बता दिए डंडी ने दिया सांप, क्षमा याचना करनी चाहिए कर सकते हैं माँ। फिर दोनों चलकर डंडी के पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है, श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्त जनों, सूत जी बोले कि अपने दामाद की बात सुनकर साधु दामाद सहित डंडी के पास जाकर क्षमा याचना करने लगा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर साधु रोने लगा। तब डंडी रूपधारी भगवान बोले,
मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तो साधु कहने लगा, हे भगवन, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाए, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करें और पहले के समान नौका में धन भर दें। साधु व्यापारी के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। अब दोनों ससुर और दामाद अपना धन लेकर अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत ने जाकर घर पर सूचना दे दी। उस समय लीलावती सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। उसने प्रसाद ग्रहण किया और पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम भी प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नाव सहित दामाद डूब गया साधु का सागर में, इतना देख कर पुत्री उसकी लगी रुदन करने। हाथ जोड़ कर साधु हरि से करने लगा विनती, क्षमा करे हे भगवन मेरी पुत्री की गलती। साधु की विनती सुन कर के हुई आकाशवाणी, तेरी पुत्री ने माँ की आज्ञा क्यों की नहीं मानी। और कर दिया उसने तो प्रसाद कभी अपमान, जिसके कारण इसके पति की संकट में है जान। साधु फिर अपनी पुत्री को यही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्त जनों, सूत जी कहने लगे कि कलावती को साधु नामक उस व्यापारी ने बताया कि हे पुत्री, तुमने अपने पति से मिलने की इच्छा में सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया, जिसके कारण तुम्हें ये दुख हुआ। अति शीघ्र जाओ और भगवान सत्यनारायण से क्षमा याचना करके प्रसाद ग्रहण करो। कलावती ने वैसा ही किया। ज्यों ही कलावती प्रसाद ग्रहण करके लौटी, सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और लहरों के साथ उसका पति नाव सहित किनारे पर आकर लग गया, जिससे कलावती, उसकी माता लीलावती और साधु व्यापारी सभी बड़े प्रसन्न हुए और श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। इसके पश्चात नित्य नियम से साधु बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण व्रत करने लगा और इस लोक में सभी सुख भोगने के पश्चात अंत में स्वर्ग लोक को गया। सूत जी कहने लगे कि ऐसा कल्याणकारी है श्री सत्यनारायण व्रत। अब मैं तुम्हें श्री सत्यनारायण भगवान के चमत्कार की एक और कथा सुनाता हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में तुंगध्वज नामक राजा हुआ करता, पुत्र के जैसे जो अपनी प्रजा का पालन करता। एक बार वो शिकार खेलने वन में चला गया, देखा कुछ ग्वालों को पूजा करते हुए वहाँ। अभिमान बस राजा उनके निकट है नहीं गया और ना ही उन ग्वालों
से उसने प्रसाद लिया। जो ही नगर में राजा वन से वापस आया है, उजड़ी हुई अपनी सारी नगरी को पाया है। श्री सत्यनारायण क्योंकि रुष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्त जनों, सूत जी बोले, राजा तुंग ध्वज द्वारा प्रसाद का अपमान करने से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। जब राजा शिकार करके वापस लौटा तो उसने अपनी सारी ही नगरी को उजड़ा हुआ पाया। राजा तुंग ध्वज समझ गया कि ये मेरे अभिमान के कारण हुआ, जो मैंने श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। तत्काल ही राजा लौटकर वन में गया और विधि पूर्वक पूजा करके उन ग्वालों से प्रसाद ग्रहण किया एवं मन में निश्चय किया कि मैं भी विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा एवं व्रत करूंगा। प्रसाद ग्रहण और पूजा पाठ करने के पश्चात जब राजा नगरी में लौटा तो सारी नगरी को सकुशल पाया। उसके पश्चात राजा तुंग ध्वज भी बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगे और दीर्घ काल तक सभी सुखों को भोगने के पश्चात अंत में स्वर्ग लोक को गए। भक्तों, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत से निर्धन भी धनी हो जाता है और भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा मानो अंत काल में बैकुंठ को जाता है। सूत जी कहने लगे, मैंने आपको सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई कि किस किस ने व्रत किया, अब तुम्हें इन सभी का अगला जन्म कहाँ हुआ वो बताता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण जिसने पहले व्रत किया, अगले जन्म में सुदामा रूप में उसने जन्म लिया। श्री कृष्ण का यार बना और मोक्ष की हुई प्राप्ति, श्री सत्यनारायण व्रत में ऐसी अद्भुत शक्ति। निषाद राज वो लक्कड़हारा बना है अगले जन्म में, राम लखन सीता को लाया सरयू पार जो करने। तुंग ध्वज नामक राजा ने दशरथ का जन्म पाया, मोर ध्वज बन करके साधु बनिया भी आया। अंत समय में ये सारे ही मोक्ष को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। श्री विष्णु जी का कथन है, ये व्रत बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार सूत जी कहने लगे कि ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म पाया और जो लकड़हारा था वो निषाद राज बना। राजा तुंग ध्वज दशरथ बने और साधु नाम का व्यापारी अपने अगले जन्म में राजा मोर ध्वज बना, जिन्होंने विष्णु जी के परीक्षा लेने पर स्वयं अपने पुत्र का शीस आरे से चेर दिया था। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत करने वाले सभी अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तों, यही कथा विष्णु जी ने स्वयं मुनि नारद को सुनाई थी और उसके पश्चात सूत जी ने नैमिषारण्य वन में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई, जिसे हमने आज वर्णन किया। आशा है आप श्री सत्यनारायण व्रत का
महात्म जान गए होंगे। बंधु बांधव सहित व्रत ये जो भी करता है, मन वांछित फल उन भक्तों को निश्चित ही मिलता है। व्रत ये करना चाहिए भक्तों होकर धर्म परायण, कृपा करेंगे सब भक्तों पर श्री सत्यनारायण। विष्णु जी ही सत्यनारायण सृष्टि पालन करता, हंस राज रलहन भी व्रत ये श्रद्धा भाव से करता। दियस पालन सत्यनारायण कथा का कर दिया वर्णन, फौज सुरेश शब्दों में पिरोए करके शारदे सिमरन। श्रद्धा भाव से जो सुनते हर कृपा को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है, श्री विष्णु जी का कथन है ये व्रत बड़ा पावन है। हम सत्यनारायण व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।